नमस्कार दोस्तों, आर्ट अपडेटिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है वो है बेरिस मोरुबोजू कैंडल, जो कि मैंने बुलिस मोरुबोजू पहले बना के डाल दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें काम कॉन्फिडेंस से करती हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे। और कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब किसी चीज़ को आप कंटिन्यू बार बार करते रहते हो। जब तक आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार करोगे, आपके ये किसी काम की नहीं है। जब तक आप इसको 100 बार 50 बार कंटिन्यू नहीं करोगे, जब भी ये पैटर्न बना, छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, एक क्वांटिटी ट्रेड करो, स्टॉक्स में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, लेकिन जब तक आप इसको ट्रेड नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर वो विश्वास आएगा ही नहीं, वो बिलीव आपके अंदर आएगा नहीं। और जब तक वो बिलीव नहीं आएगा ना, तब तक ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। मार्केट पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास का देगा कि आप अपने सेटअप पर कितना विश्वास करते हो, कितना बिलीव करते हो। मैं कंटिन्यू हर वीडियो में ये बताते रहता हूं कि कैंडल स्टिक सबसे छोटा स्टॉप लॉस के साथ में आपको एंट्री देता है। इससे छोटा स्टॉप लॉस के साथ में कोई भी पैटर्न हो, कोई भी एनालिसिस हो, आपको एंट्री नहीं देगा। सबसे छोटी जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कैंडल स्टिक के होते हैं और टारगेट इसके बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। तो आज की जो हमारी कैंडल है बेरिस मोरुबोजू, चलिए उसके बारे में जरा देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर लाइव मार्केट में इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते रहता हूं कि अगर बेरिस मोरुबोजू बना, बुलिस मोरुबोजू बना, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्कैल्पिंग की बहुत सारी चीजें मैं वहां पे अपने ऐप में पोस्ट करते रहता हूं। तो उसको देखिए, समझिए, सीखिए। अगर आपको ऐप का प्रीमियम ग्रुप लेना है तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे ऐप के प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं। तो हमारी कैंडल है बेरिस मोरुबोजू, तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। देखिए जब तक आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे नहीं, इस पर बिलीव नहीं करेंगे, तब तक ही हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखिए हम चार्ट को 5 मिनट पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसको 5 मिनट पर भी फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसको हम डेली पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी डेली चार्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस पे देख रहे हैं। सबको देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, तो जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम 5 मिनट पर देख रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें मैं बैंक पे करता हूं क्योंकि मैं बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करता हूं, तो बैंक निफ्टी पे बहुत सारी चीजें मैं फॉलो करते रहता हूं, देखते रहता हूं, ट्रेड इस पे लेते रहता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे एक ट्रेंड चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए बातों को, बेरिस हो या बुलिस हो, सबसे पहले हमें एक ट्रेंड चाहिए होता है। जब तक वो ट्रेंड नहीं मिलेगा तब तक हमें रिवर्सल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब मार्केट ऊपर गया रहेगा तो ही वो नीचे आएगा, जब वो नीचे ही है तो वहां से और कितना नीचे जाएगा उस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो बेरिस मोरुबोजू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोरुबोजू के लिए सबसे पहले तो एक ट्रेंड होना चाहिए अपसाइड का। मान लीजिए कैंडल स्टिक इस साइड में चल रही, अभी मैं पहले यहां पे बताता हूं, इसके बाद फिर मैं आप लोग को चार्ट पे भी दिखाता हूं। लाइव चार्ट जो आज का बैंक निफ्टी में बना है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब मार्केट मान लीजिए धीरे धीरे करके इस तरह से ऊपर जा रहा, देखिए मैं इस तरह से बनाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू इसी तरह से जाएगा, बीच में रेड कैंडल भी बनती रहती है, ये ध्यान रखिएगा, बीच बीच में रेड कैंडल भी बनती रहेगी। लेकिन ज्यादातर क्या होगा, ट्रेंड हमारा हमारे साइड में ही रहना चाहिए। देखिए ट्रेंड क्या होगा, अपसाइड का ट्रेंड रहेगा तो ही हमें मूवमेंट मिलेगी। अगर ये ट्रेंड डाउन साइड का हो जाएगा तो हमें ये मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, अभी हमारा ट्रेंड अपसाइड का, देखिए यहां पे कंटिन्यू चल रहा है। ये कैंडल, ग्रीन कैंडल जितनी ज्यादा और जितनी फास्ट बनती हुई आपको दिखेगी उतना अच्छा ही आपको रिवर्सल यहां पे मिलेगा। तो यहां तक हम पहुंच गए और यहां पे सडनली आपको कोई एक ऐसी कैंडल दिखेगी, इसको मैं रेड करता हूं, सडनली आपको एक कैंडल दिखेगी, बड़ी कैंडल, इसको बोलते हैं मोरुबोजू कैंडल। ये कैंडल में हो सकता है कि कहीं पे आपको यहां पे थोड़ी सी विक दिख जाए, कभी कभी क्या होगा ये विक आपको इस तरीके की दिख सकती है, ऐसी दिख सकती है, तो ये मोरुबोजू ही है। कभी कभी क्या होगा, ये फुल बॉडी, बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी आपको वीक नहीं रहेगी, सिर्फ बॉडी ही बॉडी दिखेगी, तो इस तरीके की बन सकती है। यानी ये तीन तरीके के बन सकते हैं और तीनों तरीकों को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेरिस मोरुबोजू, ये तीनों ही कैंडल बेरिस मोरुबोजू ही कैंडल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा इंतजार नहीं करते, क्यों हो क्या रहा, देखिए समझिए, साइकोलॉजी को समझिए। जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे अभी क्या हो रहा, अभी बायर कंटिन्यू इसको कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए मैंने बाइंग किया, आपने बाइंग किया, किसी और ने बाइंग किया, तीसरे ने बाइंग किया, चौथे ने बाइंग किया, कंटिन्यू यहाँ पे वो बाइंग करते हुए मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब अगर हमने यहाँ पे इसको बाइंग किया है तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं मुझे भी तो पैसा चाहिए ना, प्रॉफिट तो मुझे भी चाहिए ना, और प्रॉफिट हमें देखने से तो मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और
ये मार्केट दो लोगों से चलता है, एक बायर होता है एक सेलर होता है। बायर का तो काम यहाँ पे हो गया, बायर ने पोजीशन बनाई, बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, वो यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन सेलर को भी तो पैसा चाहिए ना। तो सेलर अब क्या कर रहा है, ये इस तरीके की बड़ी कैंडल जहाँ पर भी दिखी यहाँ पर सेलर एक्टिव होगा, दो चीज़ें होंगी, एक यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, जिन्होंने बाइंग किया है, हमने बाइंग किया, आपने बाइंग किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। प्रॉफिट बुक करने लगेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं इसको, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं मतलब हम सेल कर रहे हैं। और एक सेलर खास तौर से वो सिर्फ सेलिंग ही करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेल के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पे ऑप्शन मिल गया सेल करने का। ये बायर ऊपर लेके गए, अब सेलर यहाँ पे आ गए, बायर ने प्रॉफिट बुक किया, अब सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। क्योंकि सेलर क्यों एक्टिव हो रहा है, क्योंकि सेलर को यहाँ पे मारू बोजू कैंडल दिख रही है बेरिश में, तो वो यहाँ पे एक्टिव हो गए। तो जैसे ही मारू बोजू के कैंडल देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं वेट कर रहा हूँ कि इसके नीचे आके ये क्लोज करेगा, इसके नीचे रुकेगा, तब मैं देखूंगा। देखिए मेरा एसएल बिल्कुल छोटा सा एसएल है, ये हमारा एसएल यहाँ पे बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पे एसएल बन गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया, यानी मारू बोजू के नीचे ही हमारी एंट्री हो जाएगी, ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। और एंट्री के बाद देखिए पहला जो टारगेट हम रखते हैं ना, जितना ये गया, मान लीजिए अगर ये जो बैंक मान लेते हैं हम, ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की साइड में गया हुआ है, यहाँ से उठा के 100 पॉइंट ऊपर की साइड में गया है, तो जैसे मारू बोजू कैंडल बनी, तो मैं इसका 50% यहाँ से इसका रिट्रेस देख रहा हूँ, कितना 50%। अगर 100 पॉइंट गया है तो कम से कम यहाँ पे 50 पॉइंट का मेरा टारगेट मिनिमम होगा, और जो ये एसएल होगा वो शायद आपको 30 से 40 पॉइंट का होगा। मान लीजिए ये 100 पॉइंट ना जाके ये 200-250 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिला है, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अगर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट है तो मेरा ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा टारगेट 100 पॉइंट का यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया, एसएल शायद वो 30-40-50 पॉइंट का ही यहाँ पे रहेगा। तो ये मूवमेंट जितना बड़ा रहेगा ना, उसका 50% 45 से लेकर के 55 के बीच में मैं पहला टारगेट रखता हूँ। किसका, जो ये रिवर्स, जो ये ऊपर अपसाइड गया है ना, ये अपसाइड जो गया है उसका रिवर्सल तक मैं कितना रख रहा हूँ, 45 से 55, ये मेरा पहला टारगेट यहाँ पे होगा। अगर इस टारगेट के नीचे ये होल्ड करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 88 का, यानी 88%, मैं मान के चलिए ये 50% गया, तो अब मैं 88% यहाँ पे रख लिया हूँ। मान लीजिए अगर ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिला, तो पहला टारगेट मैंने 50 का रखा, दूसरा टारगेट मैंने 88 का रखा। अगर ये पॉइंट, ये जो मूवमेंट हमें है, ये 200 पॉइंट की मूवमेंट मिली है, तो पहला टारगेट मेरा 100 रुपये का हो गया, दूसरा टारगेट मेरा कितना का हो गया, लगभग 160 रुपए के आसपास का मेरा सेकंड टारगेट हो गया, यानी जहां से स्टार्ट हुआ है उसके थोड़ा सा पहले का मैं यहां पे टारगेट लगा लूंगा। ये सेकंड टारगेट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, और फर्स्ट टारगेट और एसएल के बीच में गैप कम से कम, जो ये रिस्क रिवार्ड होता है ना, वो कम से कम 2 से 3 टाइम होता है, इससे कम का बनता ही नहीं है, कोई भी कैंडल जो होती है ना, इससे कम का बनेगा ही नहीं, यहां पे 2 से 3 टाइम का आपका एसएल अगर एक बार हो जाएगा, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, अगर एक बार टारगेट हो गया, तो ये तीनों बार कैसे लाभ के कवर हो जाएंगे और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो एंट्री हमें कहाँ पे मिलनी लेनी है, मारू बोजू के नीचे ही हमें एंट्री लेनी है। एसएल हमारा कहाँ पे होना चाहिए, एंट्री ये हाई पॉइंट एसएल होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि इसका हाई पॉइंट ये कैंडल ही होगी, हो सकता है ये ग्रीन कैंडल ने हाई लगा दिया हो, उसके बाद ये बनाओ, अभी मैं रियल चार्ट में आपको दिखाऊंगा तो चीज़ें समझ में आएगा। तो हो सकता है इसने हाई लगाया हो, उसके बाद ये नीचे ये बना हो, लेकिन ये बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो मैं इसी के नीचे यहाँ पे सेल करूंगा, ये मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। ये हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो कम से कम ध्यान रखिएगा, निफ्टी कम से कम यहाँ से 120 से 150 पॉइंट का मूवमेंट कम से कम ये होना चाहिए, तो ही हमारे ये काम करेगा, या फिर उसके ऊपर गया तो ठीक है। इससे नीचे देखिए, आप ये मत ढूंढना कि यार 50 पॉइंट का मूवमेंट ही मिला, उसमें आप बाइंग भी ढूंढ रहे हो और सेलिंग भी ढूंढ रहे हो, फिर आप ट्रैप हो गए। कम से कम 120 से 150 पॉइंट का ये मूवमेंट होना चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे देखो, और कम से कम 8 से 9 कैंडल तो बननी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 120 पॉइंट की मूवमेंट अगर एक कैंडल, देखो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते नहीं हो, स्किप कर करके देखते हो, बाद में वही कन्फ्यूज है। मान लो ऐसा नहीं कि 120 से 150 पॉइंट सिर्फ 3 कैंडल ने बना दिया तो भी मैं इसको ट्रेड करूंगा, तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे टाइम के साथ में चाहिए ये मोमेंटम, मुझे टाइम के साथ में चाहिए, यानी धीरे धीरे करके ये ऊपर की साइड में गया रहे और वहाँ पे हमें ये रिवर्सल कैंडल दिखती है बेरिश मारू बोजू, तब मैं उसको यहाँ पे ट्रेड करूंगा। कम से कम 120 से 150 पॉइंट का हमें ये ट्रेंड चाहिए होता है, अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड हमें चाहिए होगा, ठीक है, वहाँ से हम इसको करेंगे। अगर स्टॉक्स है तो कम से कम 1 से 1.5%, मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, मान लीजिए TCS है, 2900 का TCS स्टॉक्स है, तो कम से कम 30 रुपये ऊपर जाना चाहिए, 1% का मूवमेंट हमें मिलना ही चाहिए, तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे स्टॉक्स में। अगर यही हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए, 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो 8 से 10 कैंडल का हमें मूवमेंट होना चाहिए। यही अगर मैं डेली चार्ट पे फॉलो कर रहा हूँ तो डेली चार्ट में कम से कम 3 दिन का ट्रेंड होना चाहिए, यानी 3 दिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद 4th दिन रेड कैंडल बनेगी, तब मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ।
तो डेली चार्ट में हो, 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, स्टॉक्स हो, बैंक निफ्टी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, हर जगह हम इसको फॉलो कर सकते हैं। बशर्ते रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको, इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जगह क्या होता है ना, हमारी नहीं बनती या बनने वाली होती उसके पहले लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्जर्व मत कीजिए, चार्ट को कंप्लीट होने दीजिए, वो चार्ट आपको खुद बताएगा कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। आप लोग जबरदस्ती ट्रेड मत लो। अभी मैं चलिए चार्ट पे दिखाता हूँ तो चीज़ें आप लोग को थोड़ी सी और अच्छे तरह से क्लियर होंगी। और अगर ये ध्यान रखिएगा, आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अब आपको ऐप में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐप में बिना मतलब के होमवर्क भेज रहे हैं। हमने भी होमवर्क बोला नहीं, जब मैं होमवर्क बोलूँ तब होमवर्क भेजना है आपको, तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब आपको होमवर्क भेजना है, ये बेरिश मारुगोजू कैंडल हमें होमवर्क में भेजनी है। कब भेजनी है? मंडे को लाइव मार्केट में। ये ध्यान रखना, जब तक आप इसको लाइव मार्केट में नहीं ढूंढ रहे ना, आप पीछे ढूंढ ढूंढ के निकाल लो कोई फायदा नहीं। लाइव मार्केट में आपको ढूंढना है और लाइव मार्केट में बनना है। हो सके कि आपने लाइव मार्केट में ढूंढ लिया, आपको एंट्री नहीं दिया उसने और ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि अरे यार इसने तो मोरू बोजू बन गए। भाई बनने से नहीं होगा, उसको एंट्री भी मिलनी चाहिए। हो सके आपको एंट्री भी मिल गई और मार्केट ने एसएल यहां पे ले लिया, तो उस तरह से आपका बिहेवियर क्या है, आपकी कंडीशन क्या बन रही है, साइकोलॉजी आपकी किस तरह से डेवलप हो रही है, ये आपको लाइव मार्केट में ढूंढना है। अब आपको मंडे के सेशन में कम से कम दो, एक सज्जन कम से कम एक एक तो जरूर भेजना है आपको। किसकी कैंडल भेजना है? बेरिश मोरुबोजू की कैंडल भेजना है। स्टॉक्स की भेज दो, निफ्टी की भेज दो, बैंक निफ्टी में भेज दो, 5 मिनट में या 15 मिनट में किसी में भी चलेगा। होमवर्क में वो आपको अपलोड करना है तो वहां पे उसका रिप्लाई करूंगा। अभी लोग तो होमवर्क में होली की फोटो भेज रहे, बताओ यार मैंने आप लोग की इतनी मेहनत करके होमवर्क का सेशन बनाया, कहीं पर भी किसी ऐप में नहीं है, तो लोग वहां पर होली की फोटो भेज रहे हैं, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। भाई वहां पर होमवर्क का मतलब यह है कि जो मैं बोलूंगा वीडियो में, अगर लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो चीजें वहां पे आपको भेजनी है। तो होमवर्क वाले सेक्शन में आपको बेरिश मारुबोजू कैंडल भेजनी है मंडे के सेशन में लाइव मार्केट में। चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं, तो एग्जांपल को देख के आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। और जिन सज्जन ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे होमवर्क वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप होमवर्क भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट में, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट बनाया, कुछ आज के चार्ट भी मैंने डाले हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले मैं इसको निकाल दूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेंड है, ये ट्रेंड देखिए कितना अच्छा ट्रेंड गया, और ट्रेंड के बाद यहाँ पे मारुगोजू कैंडल बनी है। इसी के नीचे हमें सेल कर देना है, ये हमारा एसएल होगा यहाँ पे, इसी के नीचे सेल करना, हमें इंतजार नहीं करना है, इसी के नीचे सेल करना है। जितना ये एसएल होगा उसका, जैसे बताया ना कि 2 से 3 टाइम तक आपको मिल जाता है, लेकिन जनरली हमें क्या रखना पड़ता है, पहला 50% किसका, जितना ये अपमूव मिला है उसका 50% पहला टारगेट होगा, 88% दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये पहला यहाँ पे दिखा आपको, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को दिखाया। दूसरे में चलते हैं, अब दूसरे वाले में जरा देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी है, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा अपमूव मिलने के बाद हमें ये डाउनफॉल यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर भी हमें बहुत, देखिए ट्रेंड हमें इसी तरह का चाहिए। आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग ट्रेंड नहीं ढूंढते हो, आप लोग यहाँ पर क्या होगा ऐसे ऐसे बन के यहाँ पे जाएगी तो नहीं, भैया एक ट्रेंड चाहिए मुझे, एक अच्छा खासा ट्रेंड। जब तक ये ऊपर नहीं गया होगा तब तक नीचे कैसे गिरेगा यार, समझो तो सही। ऊपर गया होगा तभी तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ सेलर इंतजार करेंगे। जब मार्केट ऐसी जगह पर घूम रहा है तो इसमें क्या ढूंढ के निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए मारुबोजू कैंडल बनी और कितना अच्छा रिवर्सल यहाँ पर मिला उसको। अब चलिए ये देखिए आज की कैंडल है, आज है फ्राइडे, मैंने आज की कैंडल आप लोग के लिए ढूंढ के यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने जो अभी ट्रेड किया है उसका मैंने आपको यहाँ पे कैंडल देखी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये एक ट्रेंड हमें मिला, यहाँ से देखिए कितना अच्छा 8-10 कैंडलों का हमें ये ट्रेंड मिला यहाँ पे। यहाँ से देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे गया, 480 से ये हम गए यहाँ पे, लगभग 700 के आसपास गए, 756 का हमने हाई लगाया। और यहाँ पे देखिए ये मारुबोजू कैंडल हमें मिली, और यहाँ से देखिए क्या अच्छा रिवर्सल यहाँ पे आपको मिल गया, 50% से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल गए। ये देखिए यहाँ तक हम आए, 50% से ज़्यादा हमें मिल गया यहाँ पे। ये जितना हमें मूवमेंट यहाँ से मिला था, 480 से हम गए थे 760 के आसपास, और यहाँ से हम देखा जाए तो लगभग हम यहाँ पे आए हैं 680 से, हम गिर के कहाँ पे आए हैं, 680 से हम आए हैं 520 के आसपास में, यानी 160 पॉइंट की मूवमेंट है यार। कितनी मूवमेंट चाहिए बैंक निफ्टी पे, छोटे छोटे मूव तो पहले पकड़ो। आप लोग तो बड़े बड़े ढूंढते हो, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट हमें मिलने चाहिए। भैया जब तक आप छोटे छोटे पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे ना, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह सोचो, इन्वेस्टर हो तो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना सोचते रहो। इसमें भी हो जाते हैं, एक्सपायरी के दिन में बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है, लेकिन हम पहले से सोच के नहीं बैठते, सोच के यही बैठेंगे कि हमें कुछ पॉइंट यहाँ पे मिल गए, हमें बस क्लियर कट एक ट्रेंड चाहिए होता है। वो 100 पॉइंट का कभी मिल जाता है, कभी 200 पॉइंट मिल जाता है, कभी 80 पॉइंट में भागना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आज का ही है, ये देखिए निफ्टी का मैंने यहाँ पे आज का ही आप लोग के लिए निकाला है, ये देखिए निफ्टी का है,
कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी में दिया। निफ्टी में यहाँ से देखेंगे 1700 के पास से ऊपर हम गए, कहाँ तक 17100 तक गए और यहाँ पे मरुबोजू कैंडल बनी और 17080 से हम नीचे की साइड में यहाँ पे आए 17040 के आसपास। तो ये एक अच्छा मोमेंटम हमें फिर से यहाँ पे मिल गया। अब थोड़ा सा डिसीजन आपको भी यहाँ पे लेना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे करना है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसे रुकना। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जो प्रॉफिट बन गया है ना उस पर बिलीव करो, जो नहीं बना है उस पर बिलीव मत करो। और कहीं से भी कुछ लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट कम हो गया तो कुछ क्वान्टिटी तो पहले ले लो। मान लो यहाँ पर आपने अगर 200 का है, 150 क्वांटिटी ली, 75 का लॉट है तो 150 क्वांटिटी ली, 150 क्वांटिटी में अगर मान लो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपकी कैपिटल की 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 750 प्रॉफिट बुक करने में क्या फ़र्क पड़ता है यार। लॉस तो नहीं रहेगा, कम से कम लेके तो जाओगे कुछ ना कुछ। तो हमेशा दिमाग में ये सोच के रखो कि कुछ ना कुछ हमें लेके जाना। एक बार पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, बिलीव आ गया ना, तो आपको हर दिन प्रॉफिट इसी तरह से मार्केट देगा। किसी किसी दिन मार्केट लेगा भी, लेकिन वो 10 में से 2 दिन आपसे लेगा, लेकिन 8 दिन आपको देगा। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए, आपका एक सेटअप है, उस सेटअप पे कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। एक दिन आप इस पे करोगे, एक दिन दूसरा देखोगे, एक दिन तीसरा देखोगे, एक दिन चौथा देखोगे, तो कुछ नहीं। कैंडल स्टिक फॉलो कर रहे हो तो कैंडल स्टिक कंटिन्यू फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यू फॉलो करो। जब तक आप एक में एक्सपर्ट मत हो जाओ, दूसरे में शिफ्ट मत हो, एक एक में एक्सपर्ट होकर धीरे धीरे चलते जाओगे तो आप स्विच करते जाओगे बहुत जल्दी और चीजों को बहुत जल्दी आप समझने लगोगे। लेकिन आप सब चीजों को एक साथ में समझना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, एक एक करके ही समझ के आपको जाना है। तो मैं धीरे धीरे वीडियो बना के डालता हूं, वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए, जो अच्छा लगे तो मैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और होमवर्क जरूर अपलोड कीजिएगा। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के आप आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी ही ऐप iOS वर्जन भी उसका आ जाएगा। मेरे ख्याल से अप्रैल के सेकेंड वीक में उसका iOS वर्जन भी आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग, मेरे पास भी खुद एप्पल का है तो हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे, एंड्रॉइड में मैंने डाउनलोड किया है, तो एप्पल वालों के लिए भी जल्दी आ जाएगा। अप्रैल के सेकेंड वीक तक मेरे ख्याल से iOS वर्जन भी आपके लिए आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।